नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब कुशल पूर्वक होंगे। जय सतगुरु श्री माली जी की जय। जय सतगुरु श्री नाथी राम वाल्मीकि की जय। जय शमशान काली। मैं भगत नरेश कुमार पंचाल अपने महाकाली चैनल में आप सभी भाइयों का, आप सभी बहनों का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। मैं एक सूचना देने जा रहा हूँ, उसको कृपया ध्यान से सुनिए। मेरी गद्दी सिर्फ हरियाणा करनाल में है और मेरी गद्दी कहीं नहीं है। हर शनिवार को मैं सिर्फ हरियाणा करनाल में मिलता हूँ और कहीं नहीं मिलूंगा, ठीक है। मेरे पास कुछ फोन आए हैं जो पूछ रहे, गुरु जी कि आप गद्दी करनाल में लगा रहे हो या मान लो दिल्ली में लगा रहे हो। मैं सिर्फ गद्दी करनाल में लगा रहा हूँ। सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मेरा टाइम है। आने से पहले फोन जरूर करें। और हाँ, गुरु दीक्षा का 1 जनवरी से 1100 रुपये प्राइस हो चुका है। 1100 रुपये पासपोर्ट साइज फोटो लेकर आए। और हाँ, अगर आपको ऑनलाइन गुरु दीक्षा देनी है, ऑनलाइन गुरु दीक्षा का 3100 रुपये प्राइस है। और अपनी फोटो दे ऑनलाइन में, आपको 3100 रुपये में आपको ऑनलाइन गुरु दीक्षा देंगे। हाँ, अगर कोई साधना करना चाहते हो या मान लो कुछ भी सिद्धि करना चाहते हो, उसका कोई प्राइस नहीं है। सिर्फ ऑनलाइन गुरु दीक्षा का 3100 रुपये प्राइस है। साधनाएं बिल्कुल निःशुल्क सिखाई जाती है, बिल्कुल निःशुल्क, उसका कोई पैसा नहीं है, ठीक है। और हाँ, अब आप ये बता देना चाहता हूँ कि 6 मार्च की होली है और 7 मार्च का फाग है। अगर मेरा कोई भाई या मेरा कोई शिष्य इस 6 मार्च होली पे अगर कोई सिद्धि करना चाहता है, शमशान काली की या और भी किसी की सिद्धि करना चाहता है, तो मेरे से आके एक बार मिले, ठीक है। और 22 मार्च का पहला चैत्र का नवरात्रा है। चैत्र के नवरात्र में अगर मान लो कोई सिद्धि करना चाहता है तो 22 मार्च का पहला नवरात्रा है। 29 मार्च की दुर्गा अष्टमी है। अगर इसमें भी कोई लाभ उठाना चाहता है तो उठा सकता है। मैं ये वीडियो में इसलिए कह रहा हूँ कि बाद में फिर कुछ लोग कहते हैं जी मेरे को पता नहीं लगा, आपने बताया नहीं, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 6 मार्च की होली है और 7 मार्च का फाग है। अगर कोई साधना करना चाहता है, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहता है या शक्ति अपने शरीर पर लेना चाहता है, तो मेरे से आके एक बार मिले होली पे, ठीक है। और दूसरा 22 मार्च का चैत्र का पहला नवरात्रा है। 22 मार्च को अगर नवरात्रों में भी आप आना चाहते हो तो आ सकते हो। और 29 मार्च की दुर्गा अष्टमी है, ठीक है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी भाइयों को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भोलेनाथ की असीम कृपा पर बनी रहे, माता पार्वती की असीम कृपा को परमेश्वर बनी रहे, श्री गणेश महाराज जी की असीम कृपा पे बनी रहे, नंदी महाराज की असीम कृपा पे बनी रहे और कार्तिकेय महाराज की भी असीम कृपा पे हमेशा बनी रहे। जय भोले।